हेलो गाइस, मैं मेकअप करने जा रही हूँ और आप लोग कैसे हो। और अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा मतलब क्रीम लगा रही हूँ, फेस में नेचुरल है। मेकअप से पहले थोड़ा सा लगा लिया मैंने, फेस क्रीम है और अच्छे से लगाया मैंने। आज मैं मेकअप का ब्लॉग दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। थोड़ा मैंने सोचा कि यार न्यू चीज़ें दिखानी चाहिए, तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अब ये मेकअप का क्रीम है, मतलब ये लगाने जा रही हूँ मैं, आप देखते रहिए। और इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ लेना अच्छे से, पूरे मुंह पे फेस पे ये लगा लेना है, बहुत अच्छा साइन आता है इससे, जेल है बिल्कुल अच्छा है। देखिए मेकअप से पहले मैं ऐसी ही हूँ, मेकअप के बाद देखना फिर, ठीक है। और अच्छे से ये पूरे फेस में के लगा लेना है, पूरे फेस में लग चुका। अब मैं फेस पे ये लगाऊंगी, अच्छे से फेस में लगाना है, आईज के पास लगाना है और जितने भी दाग है फेस में इसमें छुप जाएंगे। अच्छे से लगाना है और नोज़ के ऊपर अच्छे से लगाना है, तभी वहाँ पे ब्लैकेट्स होते हैं, उन्हें छुपाना होता है मेकअप में। और आईज़ के ऊपर लगा लिया, तभी मैंने आईज़ के ऊपर भी मेरे को मेकअप करना है और अच्छे से करूँगी। अच्छे से मैं इससे ना के वो कर रही हूँ, टप टप करके ऐसे हैंड से करते हैं ना, अच्छे से मैं इसे पूरे ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से मेकअप को ब्लेंड। और देखिए अच्छे से पूरे फेस में करना है, पूरे फेस में टप 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 करना है और अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड करना है मेकअप को। आईज के पास अच्छे से करना है, तभी वहाँ पे ब्लैकेट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छे से कर लिया है मैंने, अब मैं लगाने जा रही हूँ ये नायका। अच्छे से मुंह पे लगा लेना है, तभी इससे बहुत अच्छा ग्लोइंग आता है, वाइट। अच्छे से पूरे मुंह में फेस में लगा लेना है, उससे बहुत अच्छा शाइनिंग आता है। इसके बाद मैं ब्लशर लगाऊंगी, अब मैं ब्लशर लगाऊंगी। इसमें सब कुछ है, ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें लगानी है, ये पूरे फेस पे लगता है गाइस। फेस वैसे शाइन कर रहा है गाइस, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब बीच वाला ये सिर्फ गालों पे लगेगा, ब्लशर है। देखिए आप कैसे लग रहा है, ये गालों पे ही लगाना है खाली। और ये पिंक, गालों को पिंक करते हैं ना, ब्लशर बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये गालों को, शाइनिंग अच्छी आ जाती है, स्माइल ज़रूरी होती है और स्माइल के संग लगता है ये। और मेकअप से पहले आपने स्किन देख ली होगी, फेस देख लिया होगा मेरा, और मेकअप के बाद देखना आप। ये थोड़ा सा नोज के ऊपर भी लगता है, थोड़ा माथे के ऊपर भी लगता है, आईज के ऊपर भी लगा लो आप। अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने ये मेकअप, गालों को पिंक कर लिए,
लाइट लाइट पिंक किया है, ज़्यादा नहीं किया मैंने। अब ये है आइस मेकअप, आइस पे लगेगा। जो कलर मेरे को पसंद है वो ही लगाऊंगी। बहुत अच्छा है, ये सारे कलर लाइट्स है, कोई ज़्यादा चमकीली नहीं है इसमें, मुझे पसंद भी नहीं है। और लाइट लाइट है आइस के ऊपर लगाने का। अभी मैं लगा रही हूँ स्किन कलर, दो तीन कलर मिक्स करके लगाया है मैंने। स्किन कलर भी लगाया है, ब्लैक कलर भी लगाया है थोड़ा आइस के साइडों में, और पिंक कलर मैंने आँखों के ऊपर लगाया है, आँखों के साइड में मैंने ब्लैक कलर लगाया है। अच्छे से आइस का मेकअप कर रही हूँ, देखिए आप लोग। गाइस मैंने काफ़ी का टाइम बाद इतना अच्छा मेकअप किया है, काफ़ी टाइम हो गया था मेकअप नहीं किया था। अच्छे से लगा लिया आइस के ऊपर, दोनों आइस के ऊपर मेकअप हो चुका है। अब लाइनर लगेगा, देखिए लाइनर। सही लग गया गाइस एक ही बार में, जहाँ से फैलता है इसके ऊपर आप ये लगा सकते हो, इससे आप छुपा सकते हो लाइनर। दोनों आइस के ऊपर लग गया है। मेकअप से आप छुपा सकते हो। अच्छे से हमने मेकअप से छुपा लिया, और जहाँ लाइनर ख़राब लगा था, जहाँ फैल गया था, मतलब कभी कभी हो जाता है, हाथ हिल जाता है। और अब लगेगी लिपस्टिक, बहुत प्यारा कलर है ये। स्किन कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है, स्किन चॉकलेट कलर होता है ना। ये आउटलाइन लगा रही हूँ मैं, अभी जहाँ से लिपस्टिक मेरी बाहर फैली है ना, उससे मैं छुपा लूँगी। ये काजल लगाऊंगी गाइस अब मैं, काजल लगाने की आंखें काजल के बिना तो बिल्कुल ही गंदी लगती है, ऐसा लगता है कि सूनी सूनी बीमार बीमार टाइप। मेरे को अपनी आंखें मेरी काजल के साथ अच्छी लगती है। दोनों आंखों में लग गया काजल, जहाँ से काजल बाहर फैला था उससे मैं क्लीन कर रही हूँ, मेकअप से कर रही हूँ, स्किन कलर लगा रही हूँ गाइस। जहाँ जहाँ मेरा मेकअप फैल रखा है ना मामा, मैं अपना मेकअप ना ज़्यादातर खुद ही करती हूँ, पार्लर में कम ही करवाती हूँ। कोई पार्टी वार्टी में जाना हो, खुद ही से पसंद करती हूँ। अब थोड़ा हेयर स्टाइल के बारे में सोचा जाएगा कि हेयर स्टाइल क्या करूँ, बाल तो मेरे सीधे है, स्टेटिंग के बिना ही सीधे है गाइस, मैंने कुछ नहीं करा रखा। एलोवेरा लगाती हूँ बालों में, और मम्मा बहुत कुछ लगाती है, वो सब लगाती हूँ इसलिए बाल सीधे है। तेल में डाल के मम्मी ने बहुत कुछ बना रखा है, उसी को लगा के बाल सीधे हो गए हैं। अभी देखती हूँ ये स्टाइल क्या बनाऊँ, समझ के बाहर हो जाता है कभी कभी। मुझे एक ही ये स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है, वही ज़्यादा मैं बनाती हूँ।
साइड मांग करके थोड़ा सा पफ बना लेना गोल गोल करके, मुझे यही पसंद है। ये देखिए कैसे उठा रही हूँ मैं एक एक बार लेके ना, नीचे तक ऐसे कर लेना है। देखिए कैसे एक एक बार ले रही हूँ। इतना अच्छा पफ बन जाता है ना ये, बहुत अच्छा लगता है। देख रहे हो गाइस आप कैसे एक एक बार लेके करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पफ बना लिया, उठा लिए से, और पिनअप लगा लेनी है। बहुत अच्छा बन जाता है ये, सिंपल का सिंपल और इजी का इजी, 2 मिनट में बन जाता है। और आपको भी बनवाना हो आप खुद से बना सकते हो, बहुत इजी है ये। देखा आपने कितना अच्छा पॉप बनाया मैंने। अब थोड़ा साइड के बालों का सोच रही हूँ, बना तो रही हूँ पर मैं सोच रही एक ही तरफ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ट्राई करके देख रही थी कि अच्छा लगेगा या नहीं, बना तो लिया मैंने। गाय से ऐसे ही हिस्सते ही ना आलिया भट्ट बनाती है ज़्यादातर। कितना अच्छा बनाया है देखिए गाइस, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस ये लगा रही हूँ आइस के ऊपर, तो लगाना भूल ही गई पलकों के ऊपर। ये लेफ्ट हाथ से लगाना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब दूसरी आँख में तो उल्टा हो जाता है ना, मेकअप हो गया। राइट साइड से लगा रही हूँ वैसे तो मैं, और मेकअप फुल हो गया। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अपना लुक। मैंने साइड में गोल गोल बनाया था ना, खोल दिया, एक ही तरफ रखा है मेकअप का। और अब ये लुक बताना, यूनिक सा लुक मेरा कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए आखिर मेरी ड्रेस देखी है मैंने पहनी है। इसे डांगरी टाइप कहते हैं, मतलब ऐसे ही कहते हैं सब, ये सब जम सूट कहते हैं। हाँ जम सूट पहना है मैंने, जम सूट भी कहते हैं। पिंक कलर का है, कितना अच्छा लग रहा है ना कलर, लाइट पिंक और नीचे ब्लैक है, पूरा जॉइंट है ऊपर से लेके नीचे तक, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और आप मेरा पूरा लुक देखिएगा आखिर गाइस, बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैं लग कैसी रही हूँ। देखिए पूरा मेकअप, लाइट का लाइट मेकअप है, ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं है ये, पर लग बहुत अच्छी रही थी। पता नहीं आपको कैमरे में तो अच्छा दिख रहा है या ना नहीं दिख रहा, पर मैं रियल में बहुत अच्छी लग रही थी। मेकअप बहुत अच्छा लगा था, मम्मा को बहुत अच्छा लगा था मेकअप। और बहुत क्यूट लग रही थी, मैंने हील भी पहनी थी ड्रेस के साथ। स्किन देखिए मेरी ड्रेस ब्लैक कलर के नीचे, और साइड में पॉकेट है, मैंने पॉकेट में हाथ डाला। देखिए बैक से कैसी लग रही है, बैक में ना पीछे चैन है बंद करने के लिए, यूनिक सा स्टाइल है। और कोई पार्टी वार्टी में जाना हो तो बहुत अच्छा लगता है, सिंपल के सिंपल और स्मार्ट के स्मार्ट भी लगो गया, कूल है ड्रेस। और काफ़ी मैंने रील्स बनाई ड्रेस पहन के, देखिए आप बताइएगा अलग कैसी रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है गाइस, आपका मुझे पता नहीं। ये देखिए मेरा स्टाइल देखिए गाइस, आखिर मैं लग कैसे रही हूँ बताइएगा। धमाल मचने वाला है आज जो मेरा ही ब्लॉग देखेगा। गाइस मैं और भी अच्छा मेकअप कर मतलब बता सकती हूँ आपको, जब तक आप मेरे को देखोगे ये वाला मेकअप लुक ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो मैं आपको मेकअप को भी दिखाऊंगी।
तभी मेरे को मेकअप का भी है नॉलेज, मैंने पार्लर का कोर्स कर रखा है, इसलिए आप मेकअप का ज़्यादा देखोगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मेकअप भी दिखाऊंगी, ये लुक भी दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बन यानी कि जोड़ा सब कुछ दिखाऊंगी, हेयर स्टाइल का भी दिखाऊंगी आपको। आप मेकअप दिखा दिया मैंने आपको, देखिए गाइस मेरा पूरा लुक देखिएगा, वो सिंपल लुक है और बहुत ओ सोबर सा लुक है। और गाइस मैंने प्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं की, फिर भी मेरे बाल इतने स्ट्रेट है और हेयर मेरे स्ट्रेट है, स्मूथ है, सिल्की है, कुछ भी नहीं कर रखा मैंने बालों में, सीधा कॉम्ब करी थी और डिजाइन बना दिया था। और आप बताइएगा आपको लग कैसा रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर कोई यही बोलेगा ना अपने वालों को, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिएगा मेरा पूरा मेकअप देखिए आप कैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल। और नीचे से देखिए, नीचे मैंने इसके नीचे हील पहनी है, मैं आपको हील दिखा रही हूँ, देखिए ब्यूटीफुल है ड्रेस, देखिए नीचे से फेस तो मैंने आपको दिखा दिया कई बार, देखिए हील है ब्यूटीफुल, देखिए पॉकेट में हाथ डाल रखा है और इसके अंदर पॉकेट भी है बहुत क्यूट सी ड्रेस है ना, आपको पसंद आएगी मार्केट में जाके आप भी ढूंढोगे ये ड्रेस मेरे पास दो कलर में है, पिंक एक रेड, फेवरेट ये वाली है। कैसी लग रही हो बताइएगा, मेरा लुक यूनिक सा क्यूट सा। ये मैं छोटी सी रील बनाई थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए, और मेरा यूनिक सा लुक देखिए आप। और इंस्टाग्राम में आप मेरी जा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आ ही रहा है, और आप मेरा इंस्टाग्राम में रील्स देख सकते हो। और बहुत मज़ा आया था रील्स रील बनाने में, और बहुत एंजॉय किया मैंने आज सचमुच, और मेकअप सच में अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप मेकअप का लुक और रील सील बना के, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। और आपको मेरा ये रील कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और राधे राधे। और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के संग ज़रूर मिलती हूँ आगे, बाय।